ये पुल भी अब जर्जर हो चुका है। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस पुल पर भारी वाहन गुजरते हैं और प्रशासन अपनी आंखें मूंद लेती है। लोगों का आरोप है कि ये भारी वाहन जो लोग लेकर गुजरते हैं वो प्रशासन के सहयोगियों का पॉकेट भी भरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो हम विकास कहाँ से करेंगे। सरकार तमाम विकास की बातें तो करती है लेकिन भ्रष्टाचार के रहते हुए विकास संभव है। देखते रहिए अग्रवाल रसोई प्रेजेंट्स जन समस्या अभिनेंद्र के साथ। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट लाजवाब मिठाइयों के साथ स्वादिष्ट इंडियन चाइनीज साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में महुआबाग गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आज का मुद्दा है समय। समय बहुत कीमती होता है। अगर समय पे कोई कार्य हो जाए तो जनता को अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। मेरे पीछे दिख रहा ये पुल रेल कम रोड ब्रिज है और इसका निर्माण कार्य आज से करीब 4 साल पहले शुरू हुआ था। अभी तक ये ब्रिज बन के तैयार नहीं हुआ है। कहा गया था कि 2019 में इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा लेकिन आप देख सकते हैं इसकी स्थिति अभी भी इस कंडीशन में है कि इसमें तकरीबन जहां तक मेरा अंदाजा है 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा इसको पूरा होने में। कोई भी सरकारी काम समय पर पूरा नहीं होता। हमारी सरकार इसलिए बदनाम भी है, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे इलाज की बात हो और चाहे न्याय की बात हो, समय पर हमें कुछ भी नहीं मिलता तो ये ब्रिज समय पर कहाँ मिलेगा। इसके साथ लगा हुआ एक और पुल है जो काफ़ी पुराना है जिसको हम वीर अब्दुल हमीद सेतु कहते हैं। ये पुल भी अब जर्जर हो चुका है। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस पुल पर भारी वाहन गुजरते हैं और प्रशासन अपनी आंखें मूंद लेती है। लोगों का आरोप है कि ये भारी वाहन जो लोग लेकर गुजरते हैं वो प्रशासन के सहयोगियों का पॉकेट भी भरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो हम विकास कहाँ से करेंगे। सरकार तमाम विकास की बातें तो करती है लेकिन भ्रष्टाचार के रहते हुए विकास संभव है। ये पुल एक बार फिर बंद हो गया और कहा गया था कि 30 अगस्त तक इस पुल को खोल दिया जाएगा। सितंबर का महीना चल रहा है और आज सितंबर को भी ये पुल बंद है और अभी उम्मीद भी नहीं है खुलने की, क्योंकि इस पुल में मरम्मत का कार्य चल रहा है और कहा जा रहा है कि अभी 10 दिन और लगेंगे। इसके पहले वादा किया गया था कि 5 सितंबर तक हम पुल चालू कर देंगे लेकिन 5 सितंबर का भी वादा धरा का धरा रह गया। सवाल ये है कि इस पुल बंद होने से रोजगार बंद हो गया है। लॉकडाउन में वैसे ही लोग परेशान हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, काम धंधा बंद है, सोशल डिस्टेंस के पालन करने के चक्कर में रोजगार भी बंद हो गया। लोगों को आइडिया नहीं है, जागरूक नहीं है, वो सोशल डिस्टेंस का पालन क्या करेंगे। इस हमीद सेतु से रोजाना लोग रोजगार के लिए आवागमन करते हैं। हमीद सेतु के बंद होने से यहाँ पर बसें बंद हैं, ऑटो बंद हैं, जिससे बस संचालक जो हैं या बस के ड्राइवर जो हैं, कंडक्टर जो हैं, तमाम तरह का रोजगार उनको उससे मिलता है वो बेरोजगार हो चुके हैं। जो ऑटो चलती हैं, जो सवारियों को इधर से उधर करती हैं, ऑटो बंद हैं। ऑटो में काम करने वाले खलासी हैं, ऑटो चालक है, ऑटो मालिक है, सबका रोजगार बंद हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि एक पुल की वजह से कितने रोजगार पे फर्क पड़ा है। लॉकडाउन में वैसे ही लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पुल ने और भी लोगों को बेरोजगार कर दिया है। हमारी कई लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि अब तो उनके पास पैसा भी नहीं आता, लोगों से उधार मांगकर घर का खर्चा चलाना पड़ता है। एक दैनिक समाचार पत्र के अनुसार करीब 2.5 माह बाद सेतु के मरम्मत का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। आगामी 3 से 4 दिनों के अंदर इस पर आवागमन भी शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। हमीद सेतु पर कुल 52 बेयरिंग लगे हैं। संबंधित अधिकारियों के बार बार कहने के बावजूद लगातार हो रहे ओवरलोड वाहनों के आवागमन के कारण बेयरिंग खिसक गया। सघन जांच में पता चला कि 52 में से 22 बेयरिंग जर्जर हो गए हैं। इन सभी को बदलकर अत्याधुनिक बेयरिंग लगाया गया है। पिछले 2.5 माह से सेतु का मरम्मत कार्य चल रहा है। इस दौरान यह पूर्णतः बंद था, इससे लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। जानकारी के अनुसार 2.5 महीने से चल रहे मरम्मत कार्य में इंजीनियरों ने 22 बेयरिंग और 26 ज्वाइंटर को बदल दिया है। अब सेतु पर बने ब्रेकर को
तोड़ा जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सेतु का मरम्मत कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर SB सिंह का एक दैनिक समाचार पत्र में बयान छपा। उन्होंने इसमें कहा कि हमी सेतु के मरम्मत का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। निरीक्षण के बाद आगामी 3 से 4 दिनों में पुल को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। सेतु की भार क्षमता 30 टन की होगी। हम जिला प्रशासन से अनुरोध भी करेंगे कि इससे अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन ना किया जाए। खैर, करीब 2.5 से 3 महीने बाद हमी सेतु के पुनः चालू होने के बाद ये देखने वाली बात होगी कि इस सेतु से कितने भार के वाहन गुजरते हैं और इसमें प्रशासन कितना तत्पर रहती है। तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज़।